लेकिन जब हम स्कूल की सेटिंग में बात करते हैं तो प्रॉब्बली इनका जो कॉनोटेशन है इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज आई अर्लियर मैंशन कि वेन वी टॉक अबाउट एकेडमिक सेटिंग तो कॉन्फिडेंशियलिटी वुड नॉट बी द थिंग कि इसमें एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया है वो हम किसी को बताएंगे ही नहीं कोर्स उसका रिजल्ट हमने बताना है लेकिन जो चीज़ हमने कॉन्फिडेंशालिटी में इंश्योर करनी है वो उसका प्रोटोकॉल है कि वो हम किस तरीके से बता रहे हैं यूनिफ अ स्टूडेंट हैज़ नॉट पासड सर्टन एग्जाम्स तो हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको डायरेक्टली uh, जो है वो फर्स्ट स्टेप पे उसके पेरेंट्स को कॉल करें और उसको बताएं कि जी आपका बच्चा तीन सब्जेक्ट्स में फेल हो गया उसके लिए हम पहले उनको एक मीटिंग के लिए कॉल करेंगे मीटिंग के लिए कॉल करने के बाद हम उनको पहले रूल्स बताएंगे कि हमारे लिए इतने ग्रेड्स में इतने परसेंट पे पास होना ज़रूरी होता है उसके बाद हम उन्हें बच्चे की परफॉर्मेंस बताएंगे सो दीज आर द स्टेप्स वन नीड टू बी फॉलोड हम उसको डायरेक्टली जो है चाहे वो ऑथेंटिक या करेक्ट इंफॉर्मेशन है हम उसको ऐसे रेडिली लॉन्च नहीं कर सकते सो बाय सेइंग दिस इट मीन्स कि हमें थोड़ा सा उन प्रोटोकॉल्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्कूल सेटिंग कस्टमाइज करना पड़ेगा वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एथिकल इशूज दैट साइकोलॉजिस्ट कंफ्रंट इन स्कूल सेटिंग स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ पेरेंटल कंसर्न एंड इन्वॉलमेंट यहाँ पर अब हम अगर स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रेफरेंस से बात करें बिकॉज हम डिफरेंट वर्क सेटिंग्स की बात कर रहे हैं जो साइकोलॉजिस्ट के लिए चैलेंजिंग होती हैं तो एज अ स्कूल काउंसलर उनके लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसमें सर्टेन चीज़ों के अंदर पेरेंट्स की इन्वालमेंट और पेरेंट का कंसेंट लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डिफरेंट फैमिली एक्ट्स एंड रिलेटेड स्टेट लॉज गिव पेरेंट्स एक्सेस टू द रेलिट रिकॉर्ड्स एज वेल एज कंट्रोल ओवर वेदर देअल्डीव इवेल्यूशन और स्पेशल सर्विसेज़ अब फॉर इंस्टेंस इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक स्कूल काउंसलर ये असेस करता है कि एक प्राइमरी ग्रेड के स्टूडेंट के अंदर उसको थोड़े से ऐसे टेंडेंसीज दिखाई दे रहे हैं जो उनको लगता है कि ये अगर ट्रीट ना किए गए तो ये आगे जाकर इसके थोड़े से क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ लेके जा रहे हैं और इसके अंदर कुछ स्टीलिंग बिहेवियर नज़र आ रहा है या इसके अंदर थोड़ा हाइडिंग बिहेवियर नज़र आ रहा है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो अपना कंसेंट नहीं देते वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे बच्चे को इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वी वुड नॉट लाइक टू गिव एनी सच काइंड ऑफ काउंसलिंग टू अवर चाइल्ड ऐसी सिचुएशन के अंदर स्कूल के लिए और साइकोलॉजिस्ट के, के लिए एक चैलेंज बन जाता है तो वो पेरेंट्स को अपनी असेसमेंट की बेसिस पे कैसे जो है वो कन्विंस करेगा कि उसके बच्चे को इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है या सिमिलरली अगर उसे किसी बच्चे के अंदर कोई आ, डिप्रेशन के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या उसके अंदर उसको कोई आ, पैनिक करने के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और वो उसके लिए उनको काउंसलिंग देना चाह रहे हैं और पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं और वो कॉपरेट नहीं करते अनदर अदर इंपॉर्टेंट इशू इट्स ऑब्जर्व मोस्टली इन पब्लिक स्कूल सिस्टम इज प्रेशर टू कंट्रोल कॉस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के पब्लिक स्कूल्स में अभी पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने जो है वो स्कूल काउंसलर्स uh, या साइकोलॉजिस्ट हायर करने शुरू किए हैं प्रीवियसली तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था लेकिन अगर हम इवन एट प्राइवेट स्कूल्स की बात करें उनमें से भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को स्कूल काउंसलर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि एक प्रेशर होता है कि एक बल्क uh, में स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं एंड साइकोलॉजिस्ट इज़ बी प्रेशराइज टू कम्पलीट द स्टूडेंट्स प्रोफाइल इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और उसकी वजह से वो उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि वो डिटेल असेसमेंट्स नहीं कर पाते डिटेल्स रिपोर्ट्स नहीं लिख पाते बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता और उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है और स्कूल की तरफ से उनको बाइंडिंग होती है कि आपने इतने डेज के अंदर इतने क्लासों की प्रोफाइलिंग कम्प्लीट करनी है इट ऑल्सो अपलाइज टू अदर नॉन स्कूल इंस्टीट्यूशन इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट इन असेसमेंट मे टू लिमिट और मॉडिफाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एज अ वे टू मीट द इंस्टीट्यूशनल नीड इसी तरह अगर कोई प्रोफेशनल हायरिंग एजेंसीज हैं जहाँ पर इस तरह के लोग काम कर रहे हैं जो इतने असेसमेंट के लिए ट्रेन नहीं है लेकिन उनको जैसे सिर्फ बताया गया है कि आपने इनकी स्कोरिंग कैसे करनी है या आपने इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है तो वहाँ पर भी ये जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इनके कॉम्प्रोमाइज़ होने का खदा होता है क्योंकि तो वो लोग जो हैं वो प्रॉबली उनकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रटेशन तो कर सकते हैं लेकिन वो उनके क्वालिटेटिव इंटरप्रटेशन नहीं कर सकते और साइकोलॉजी के टेस्ट बहुत टेक्निकल होते हैं इसके अंदर आपकी जब तक एक्सपर्टीज नहीं होती और क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीक़ों से आप उसको असेस नहीं कर रहे होते तो उनकी रिपोर्ट राइटिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है फॉर अ साइकोलॉजिस्ट वॉज हायर टू असेस स्पेशल नीड चिल्ड्रन इन अ स्कूल एक स्कूल हायर कर रहे है कि आपने जो हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं इनको असेस करना है वेन स्पेशल एजुकेशन

अगर हम जल्दी जल्दी ब्रीफ ब्रीफ रिपोर्ट्स बनाएंगे उसमें कुछ ऐसे पोटेंशियल लोग मिस हो जाएंगे जिनको कोई प्रॉब्लम्स थे और वो ओवर हो गए और उसकी ब्रीफ रिपोर्ट में वो मैंशन नहीं हो सके तो वहाँ पर डेफिनेटली हमें उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की ऑप्शन भी नहीं बचेगी देन एडिकुएट सुपरविजन एंड अप्रोप्रिएट प्राइवेसी दीज आर अदर थिंग्स इन विच द स्कूल काउंसलर डेफिनेटली फोकस ऑन और इनकी लाइट्स के अंदर ही उसको अपना काम जो है वो करना चाहिए एंड केयरफुल बैलेंसिंग ऑफ ट्रेनी एंड क्लाइंट नीड क्योंकि हमें जब हम काम कर रहे होते हैं हमारे साथ ट्रेनीस भी काम कर रहे होते हैं इंटर्न्स भी काम कर रहे होते हैं तो कभी भी उन पर सोलली डिपेंड करते हुए उनकी रिपोर्ट्स पे भरोसा करते हुए अपने क्लाइंट की जो जजमेंट है वो नहीं करनी चाहिए बल्कि एक बैलेंस होना चाहिए कि जो इंटर्नीस काम कर रहे हैं उनको सुपरविजन जो है वो प्रोपरली जो है वो स्कूल काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट दे और उसके बेसिस के ऊपर उनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए अगर हम एज अ प्रोफेशनल स्कूल काउंसलर कंपिटेंस का ट्रीटमेंट uh, प्रोवाइड करने का एडिक्वेट सुपरविजन का और uh, जो सुप जो इंटर्नीज़ हैं उनकी कंप्लीट सुपरविजन का ख्याल रखें तो ये चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े से ओवरकम हो सकते हैं